की जो भागीदारी है बिल्कुल नगण्य दी गई है। और ये लोग लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, ये तमाम राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष जो है, ये राजनीति के सामंत लोग हैं। इन्हें अति पिछड़ा की हकमारी करने से इनका अभी तक पेट नहीं भरा। अब तक तो ये जातीय नरसंहार करते रहे, लेकिन अब ये पिछड़े अति पिछड़े शोषित वंचित वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी का भी इन्होंने जो कहीं ना कहीं इन्होंने नरसंहार करने का काम किया है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से और तेजस्वी यादव जी से मैं चंद सवाल आप मीडिया भाई बहनों के साथियों के माध्यम से करना चाहती हूँ कि देखिए, लालू यादव जी और तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में है अति पिछड़ों को अपमानित करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में और खास करके बिहार में पूरी तरह चुनावी माहौल बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच आज जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजू मारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महागठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने राजद पर अति पिछड़ा समाज के साथ हकमारी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कई मुद्दों पर आज राजद को घेरा है, आप इस वीडियो में सुनिए। किस तरह से विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा समाज की हकमारी करता आ रहा था और इस बार के भी लोकसभा चुनाव में इसने जो संख्या है इनकी 22 में इन्होंने 2 टिकट दिया है, किस तरह से हकमारी की अति पिछड़ा समाज के लोगों की। हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से अपने संसदीय जीवन में, जितना भी उनका संसदीय जीवन रहा है टिल टू डे आज तक, उन्होंने न्याय के साथ सबका विकास की जो उन्होंने बात की है उसको उन्होंने 100% स्थापित किया है और 100% लागू किया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बहुत सारा रहा, लेकिन अभी वर्तमान की लोकसभा में हम बात करें तो NDA गठबंधन में हम लोग 16 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, उसमें हम 16 में हमने 4 अति पिछड़ा समाज के लोगों को अरविंद निशा जी ने बाई फार को टिक करके बताया कि कहाँ कहाँ हमारी पार्टी दी है, 4 हमने दिया है। तो एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी बार बार पिछड़ा थी पिछड़ा या वंचित शोषित समाज के जो बात करते हैं कि हितैषी है, वो एक धोखा एक छल उनका झूठ रहा है। और ये इस बार के भी लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी, बहुत नगण्य भागीदारी जो दिया है उन्होंने, उसे ये स्थापित होता है और साबित भी होता है। दूसरी बात, आप लोगों ने एक सुना होगा, हम सब ने सुना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आया करता था। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो सीरियल था ना, ये मुंगेरी लाल कमीशन जिन्होंने पहली बार देश के इतिहास में पहली बार अति पिछड़ा वर्ग को बाइफर्केटेड किया था पिछड़ा वर्ग से, ये वो लोग थे जिनकी स्थिति बहुत ही सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर थी और बाइफर्केटेड किया था। और उनके कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, उस वक्त वो सुबह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस कमीशन के आधार पर अति पिछड़ा समाज को उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित किया था। और पूरे देश में किस तरह से मजाक उड़ाया गया था, इसकी तो सीरियल ही बन गया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसके बाद जब कालांतर में हम आगे बढ़े और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की बिहार की जनता ने जब बिहार के मुस्तकबिल के लिए, हर वर्ग अपने मुस्तकबिल के लिए उनको आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनके जो रिकमेंडेशन थे जिसको मजाक उड़ाया गया था हसीन सपने का करके, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन सपनों को भी साकार किया और इस देश में पहला ये बिहार बना जो पंचायती स्तर पर या हर स्तर पर अति पिछड़ा समाज को बाइफर्केशन भी किया गया और उनको उनका अधिकार भी सुनिश्चित किया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि ये कैसा आपका अति पिछड़ा या शोषित वंचित आपका प्रेम है, क्या यही प्रेम है कि 16 में हम 4 देते हैं और आप 22 में 2 देते हैं। देखिए, ये जो भागीदारी दी गई है ना, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित भी करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी है बिल्कुल नगण्य दी गई है। और ये लोग लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, ये तमाम राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष जो है, ये राजनीति के सामंत लोग हैं। इन्हें अति पिछड़ा की हकमारी करने से इनका अभी तक पेट नहीं भरा। अब तक तो ये जातीय नरसंहार करते रहे, लेकिन अब ये पिछड़े अति पिछड़े शोषित वंचित वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी का भी इन्होंने जो कहीं ना कहीं इन्होंने नरसंहार करने का काम किया है।
मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से और तेजस्वी यादव जी से मैं चंद सवाल आप मीडिया भाई बहनों के साथियों के माध्यम से करना चाहती हूँ कि देखिए लालू यादव जी और तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में है अति पिछड़ों को अपमानित करना। मैं सवाल करती हूँ उनसे आपके माध्यम से कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी से गंभीर सवाल पूछना चाहती है। हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यही आरजेडी का अति पिछड़ा समुदाय का प्रेम है। आरजेडी यह भी बताए कि क्या लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को उनका वाजिब हक न देकर जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या उन्होंने अपमान नहीं किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ये भी बताएं कि अति पिछड़ा समुदाय क्या उनकी वाजिब हिस्सेदारी न देकर के उन्होंने क्या समुदाय को छलने धोखा देने और फरेब करने का क्या उन्होंने काम नहीं किया है। क्या यह सही नहीं है कि वोट लेने की जब बात आती है तो लालू जी और तेजस्वी यादव अति पिछड़ों के प्रति प्रेम तो छलकाने लगते हैं और जब उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात आती है तो आरजेडी नेता इस समुदाय को हाशिए पर ढकेल देते हैं। हम आरजेडी से यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या आरजेडी का अति पिछड़ों के प्रति प्रेम जो है महज दिखावा है, महज उनको धोखा देना और छल करना नहीं है तो क्या है। ये सारे सवाल हम आरजेडी सुप्रीमो लालू जी से और तेजस्वी से और एंटायर विपक्ष से ये पूछना चाहते हैं, ये उसका जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय जनता दल पर अति पिछड़ा समाज के साथ हकमारी करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा, उन्होंने बिहार के सीएम को लेकर कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार है जो अति पिछड़ा समाज को साथ लेकर चलते हैं, इस बार भी चुनाव में जब एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीट मिली तो उसमें से 4 सीट नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज को दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।